नमस्कार, सदयात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अकोड़ी में त्रिसेन निवासी लापता युवक की बाइक मिली, अपहरण की आशंका। मिर्जापुर जबलपुर के विंध्याचल थाना अंतर्गत अष्टभुजा चौक के अंतर्गत अकोड़ी कौरी शंकर मोड़ के पास प्रयागराज जनपद के मांडा थाना के ग्राम त्रिसेन पोस्ट टोलापुर के अनिल तिवारी पुत्र शिवमणि तिवारी 12 अप्रैल 2024 को लगभग 10:30 बजे प्रतिदिन की भांति विंध्याचल दर्शन कर लौट रहे थे। गौरी शंकर के पास किसी अज्ञात लोगों ने विवाद के बाद किडनैप कर लिया। अगले दिन किसी ने बताया कि एक अज्ञात बाइक झाड़ी के पीछे महुआ के पेड़ के नीचे खड़ी है। 5 दिन बाद तक अभी तक पता नहीं चल पाने से परिजन और रिश्तेदार परेशान होकर इधर उधर खोज रहे हैं। थाना प्रभारी विंध्याचल दयाशंकर ओझा ने बताया कि जांच पड़ताल की जा रही है। सतयात्रा न्यूज से आशुतोष शर्मा की खास खबर, धन्यवाद। क्या नाम भैया? सुनील तिवारी नाम भैया। क्या मामला है आप लोग यहाँ पे गौरी शंकर पे? मामला सर यह है कि हमारा भाई 12 तारीख को 4 बजे घर से निकला यहाँ विंध्याचल दर्शन करने के लिए। कहाँ के रहने वाले थे? तुलापुर यहाँ मांडा थाना पड़ता है। विंध्य चलाए थे? हाँ, विंध्याचल दर्शन करने वो डेली आता था, 9 दिन व्रत था वो जी। हाँ, तो यहाँ पाठ बैठाया था और उस दिन घर से 4 बजे निकला और हम लोगों से घर 4 बजे निकला, यहाँ विंध्याचल पहुँचा और दर्शन किया। बात घर पर हुई और बोला कि हम घर पर आ रहे हैं, हम लोग से हाँ घर पे आ जाएगा वो जी। उसके बाद फोन 10:30 बजे रात को लगाना चालू किया, उसका मोबाइल बंद बताने लगा जी। और फिर हम लोग ढूंढना चालू किए, कुछ पता नहीं चला। अभी यहाँ दूसरे दिन हम फिर यहाँ पे आए तो गए विंध्याचल तरफ में, तो फिर पता नहीं चला उधर भी। फिर वापसी जब आने लगे तो यहाँ चाय की दुकान पे भाई का, हमारे माने कि भाई था चाय का शौकीन था, तो साला था हमारा, तो बोला कि उधर भी यहाँ चाय पीने रुका होगा होटल पे अकोड़ी में जी। तो वहाँ पर गया पूछने के लिए तो चाय वाले दुकान वाले बोले भैया कि ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन एक गाड़ी वहाँ जो है खंडक में खड़ी हुई है, कल से गाड़ी खड़ी है। अच्छा, सारा हमारा गया देखा गाड़ी तो वही थी। बाद में जो है किस जगह गाड़ी मिली? गाड़ी यहाँ गौरी शंकर मंदिर के जस्ट जो है पीछे मिली। अच्छा, उसके बाद प्रशासन को फोन किया, प्रशासन आई। तो आपने नज़दीकी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई होगी? हाँ, दर्ज कराया हमने यहाँ विंध्याचल चौकी थाना भी। तो लगभग आज 4 से 5 दिन हो गए, तो क्या कार्यवाही हो रही है, क्या उसमें आपको आश्वासन मिल रहा है? कुछ नहीं वहाँ पे हमको समझ नहीं आ रहा है, वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे कुछ हमको समझ नहीं आ रहा है। मोबाइल अभी तक बंद है? मोबाइल अभी तक बंद है।